आप देख रहे हैं पूरे देश में जहां नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वहां बीजेपी सरकार जो है रोजगार न देने के बाद कंपनियां जो सरकारी हैं उन सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है, रोजगारों को रोजगार न देने के उस पे रोजगार छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं जो भी सरकारी नौकरी लगेंगी 5 वर्ष पहले उनका ट्रायल होगा, उस ट्रायल में लड़का पास होता है या नहीं पास होता है। तो ये जो है नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है, जहां आरक्षण के नाम से संविधान में आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है, आज नौजवान किसान देश का और बेरोजगार सभी आज परेशान हैं। आज किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज जो मांग मेरी है वो आप लोगों को मैंने दी है, उसमें नौजवानों का रोजगार है, आरक्षण की छेड़छाड़ है, ये किसान की विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं, ये सभी समस्याओं को लेके हमने आज ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी के नाम डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी नौजवानों की बात सरकार को पहुंचाएंगे और इस पर अमल अवश्य होगा।